स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मोदी के बयान को सुन पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है घर में घुस के मारेगी लोग। तो सर दोस्तों पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, बयान देखते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़िया नहीं पहनी है, अरे भाई पहना देंगे। मुहावरा आप सबने सुना होगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया है कि अगर पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी तो हम पाकिस्तान को यानी इंडिया पाकिस्तान को चूड़ियां पहना देगा। पाकिस्तान के पास आटा नहीं है, गंदुम नहीं है, चीनी नहीं है, पेट्रोल नहीं है, अगर उनके पास चूड़ियां नहीं है तो उन्हें हम चूड़ियां भी भिजवा देंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, वो सवाल ये है कि बतौर कौम हम किस तरफ चल पड़े। इंडिया का दफाई बजट जो है हमारे पास वो 75 बिलियन डॉलर हमारे इस वक्त वो खर्च रहे हैं अपने दिफा पे। पाकिस्तान का डिफेंस बजट जो है वो तकरीबन 6.5 बिलियन डॉलर है। अब हालात ये है कि मिल्स बंद पड़ी हुई है, अरबों रुपए की जो मशीनरी है वो बाकायदा कचरे में तब्दील हो रही है और यही कहानी दूसरे जो सरकारी इदारे उनकी भी है। अब 12 गुना ज्यादा है इंडिया का डिफेंस बजट। वर्दी उतारो चूड़िया पहनो, ये और ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये सारे नारे लगाता कौन है? पाकिस्तान में पाकिस्तानी आवाम लगाती, ये सही नहीं है। बरतानिया में जितने भी पाकिस्तानी इस वक्त रह रहे हैं उनको एक एक करके हिरासत में लिया जा रहा है, उनको डिटेंशन सेंटर मुंतकिल किया जाता है और फिर एक परवाज के जरिए उनको अफ्रीका के एक ऐसे मुल्क रवाना किया जा रहा है जो कि इंतहाई खतरनाक तस्वीर। लेकिन क्या करें, लगता है कि ये तो अब हमारा कौमी अलमिया बन चुके हैं। मैं मतलब बड़े सोच के साथ कह रही हूं ये बात। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुजफ्फरपुर में आयोजित एक चुनाव सभा के दौरान पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला। प्राइम मिनिस्टर ने लोगों से सवाल किया, क्या आप मोहल्ले में ढीला ढाला पुलिस वाला पसंद करते हैं? टीचर भी मजबूत चाहते हैं, फिर देश का प्रधानमंत्री मजबूत होना चाहिए कि नहीं? डरपोक प्रधानमंत्री देश चला सकता है क्या? ये इतने डरे हुए हैं कि उन्हें सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखता है। ऐसी पार्टियों ऐसे नेताओं को देश दे सकते हैं क्या? पिछले दिनों मणिशंकर ने कहा था कि भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। अब इसी बयान पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, अरे भाई नहीं पहनी तो पहना देंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि उनको आटा भी चाहिए, बिजली भी नहीं है, अब हमको मालूम नहीं था कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आगे कहा कि यह देश का चुनाव है, हिंदुस्तान का भविष्य तय करने वाला चुनाव है। उर्दू का एक मुहावरा है आप सबने सुना होगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस मुहावरे पर हम पाकिस्तानियों का यकीन ईमान की हद तक पुख्ता हो गया है, इसीलिए तो मुआशरे में जिसे देखें हाथ में अब देखने के बकायदा लाठी पकड़े नजर आता है, चाहे वो मजहबी रहनुमा हो या फिर सियासी रहबर हो, हर कोई लाठी के जोर पर अपनी बात मनवाना चाहता है, चाहे फिर वो शोला बयानी से हो या फिर हकीकत में आतिशबाजी यानी धरना एहतजाज जलाओ घिराओ करके हो के हो। अच्छा, इसकी ताज़ा तरीन एग्जाम्पल मिसाल आज़ाद कश्मीर में होने वाले एहतजाज की सूरत में सामने आई। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब मुतालिबा तस्लीम कर लिए गए तो फिर एहतजाज जलाओ घेराओ इंतशार की क्या तुक बनती है? आफरीन है आज़ाद कश्मीर हुकूमत पर भी जिसने मामले की जो नज़ाकत है उसको समझा ही नहीं सही वक्त पर। इन फसादात में एक पुलिस अफसर की शहादत हुई, कई अहलकार जख्मी हुए, एहतजाजियों की हलाकतों की भी खबरें हैं और जब पानी सर से गुजरा तो फिर मुज़ाकरात की संजीदा कोशिशें तब जाके शुरू हुई और बकौल वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अस्करी क़यादत की कोशिशों से मामला हल करने में मदद मिली। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, वो सवाल ये है कि बतौर कौम हम किस तरफ चल पड़े हैं। मैं इस चीज़ से इनकार नहीं कर रही कि एहतजाज से लोगों को रोकना चाहिए, जहाँ तक बात है एहतजाज की मुतालिबात की तो मुतालिबा तो जायज़ मुतालिबात पेश करना हर किसी का बुनियादी हक है, एहतजाज करने का हक भी पाकिस्तानियों को आयन देता है, लेकिन मुतालिबात को ज़बरदस्ती मनवाने और पूरम एहतजाज के बजाय फसाद इंतशार फैलाने, ज़बरदस्ती लोगों के कारोबार दुकानें रास्ते सड़कें बंद करने का हक किसी को भी हासिल नहीं है, ये सही नहीं है। चाहे वो फिर सरकारी मुलाजिम हो, आम शहरी हो या फिर सियासी कारकुन हो, पूरी दुनिया में किसी को यह हक के अख्तियार नहीं दिया जाता कि अपने मुतालिबात को मनवाने के लिए कानून को अपने हाथ में ले लिया जाए।
और मुझे अब तक ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने आज़ाद कश्मीर जैसे पुरअमन इलाके के अमन पसंद, अपने काम से काम रखने वाले, पाकिस्तान से दिलो जान से मोहब्बत करने वालों को फसाद पर उकसाया। ये आज़ाद कश्मीर हुकूमत की भी नाअहली है जिसने एक तो ये जो फसादात हैं उस हवाले से वक्त पर इकदाम नहीं किए, और अब ये जो मुजाहिरीन हैं उनको इकट्ठा करने के लिए जो उकसाने वाले हैं उन्हीं से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये इसमें कोई शक नहीं है, ये जो आज़ाद कश्मीर के रहने वाले हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मुहब्बे वतन है, बहुत ज़्यादा पुरअमन हैं, बाशऊर हैं, लेकिन जिन शरपसंदों ने लोगों को उकसाया, पुलिस अफसर को शहीद किया, अहलकारों पर खुलकर तशद्दुद किया, सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, उनके खिलाफ तो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वर्दी उतारो चूड़िया पहनो, ये और ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये सारे नारे लगाता कौन है? पाकिस्तान में पाकिस्तानी आवाम लगाती है। 50,000 पाकिस्तान में नारे लग चुके हैं कि चूड़िया पहन लो, तब आपको बुरा नहीं लगा। आज प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया ने बोल दिया तो आपको बुरा लग गया। ये चीज बहुत मुश्किल है मेरे लिए मानना कि ये कभी पाकिस्तान के लोगों ने नहीं सुनी। हाँ, पाकिस्तान को ऑब्जेक्शन होने का राइट हो सकता है, लेकिन ये बात सुनिए, एक बात ध्यान से सुनना कि आपके कंट्री में जब नारे लगते हैं तब आप कहाँ होते हैं? ठीक है, आगे एक खबर और कि अय्यूब खान की, जो डिक्टेटर थे पाकिस्तान के, डिक्टेटर, उसकी बॉडी को निकाला जाएगा और फांसी पर लटकाया जाएगा, ऐसा बोला है डिफेंस मिनिस्टर ने, ख्वाजा आसिफ ने, वो भी पार्लियामेंट के अंदर बोला। और क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दिया था। भाई एक चीज, ख्वाजा आसिफ साहब, आप गायब हो जाएं किस चक्कर में? आपने, आपको लग रहा है कि आर्मी के कुछ ऑफिसर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं या आर्मी के चीफ आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप बच जाओगे? नहीं, आर्मी कभी भी अपने किसी फॉर्मर ऑफिसर को ऐसे उसके साथ ऐसा अभद्र व्यवहार नहीं होने देंगे। वैसे तो डेड बॉडी को के साथ बड़े सलीके से, बड़े तमीज से पेश आना चाहिए, ऐसा सारी गवर्नमेंट्स बोलती हैं, ऐसा इंटरनेशनल कन्वेंशन है। लेकिन फिर भी आपकी पार्टी के चीफ खुद आर्मी से पंगा लेते हुए गायब हुए थे, जेल में रहे थे, तो आप आर्मी से पंगा लेना आसान काम नहीं है बॉस। ये बात आप आर्मी, आप डिफेंस मिनिस्टर होके जानते हैं। एक चीज, आर्मी कभी ऐसा नहीं होने देगी कि उसके किसी फॉर्मर ऑफिसर के साथ ऐसा सलूक हो। सबको डर होता है कि मैं भी कुर्सी से उतरूंगा। उसके बाद जनरल बाजवा कुर्सी से उतर गए, जनरल बाजवा के खिलाफ कितने केसेस हैं? क्या वो केसेस पे कोई एक्शन हो रहा है? कोई नहीं। क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा कि जनरल बाजवा जो भी गेम खेल रहे हैं, जनरल बाजवा का सबको पता है कि यही गेम हमने भी खेलना है, हमने भी पैसा कमाना है, हमने भी फॉरेन में अपने जजीरे खरीदने हैं, हमने भी फॉरेन में अपना सामान खरीदना है, ठीक है, हमने भी फॉरेन में अपने फार्म हाउसेस खरीदने हैं, और कल हमारे खिलाफ एक्शन हो गया तो हम क्या करेंगे? यस राइट, एक क्वेश्चन है, व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग बैक पीओके, इज इट द राइट टाइम? ऋचा गुप्ता, पीओके जो है वो लेने का राइट टाइम अभी सरकार के हिसाब से नहीं है। लिया तो जाएगा, हमारा रेजोल्यूशन से, हम रेजोल्यूशन से तो हम जरूर लेंगे। हाँ, पीओके पे भी मेरे पास अपडेट है, वो ये है कि अभी तक पीओके में शांति नहीं आई है, प्रोटेस्ट जारी है, पुलिस की फायर। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए, और पाकिस्तान में ना हो पैसा चूड़िया खरीदने का तो बोल दीजिएगा, भिजवा देंगे, बहुत अच्छी मिलती है भारत में। मोदी साहब ने ऑफर किया है, बिल्कुल, ये तो ऑफर एक्सेप्ट कर लो, सही बोल रहा हूँ। और ये देखो, क्योंकि है ना, ये तुम पाकिस्तानी हो, क्या आपको कहे, यदि यही स्टेटमेंट को पॉजिटिव वे पे आप लेके चलोगे ना, तो आप हो सकता है कुछ अच्छा काम कर लो। देखो कई सारे लोग ताना मारते हैं, आपने देखा होगा, आप बड़े बड़े लोगों का एग्जाम्पल ले लीजिए, उसकी जब आप बायोग्राफी पढ़ेंगे तो उसकी बायोग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत आप कहीं से सुनने को मिल जाए तो ये ऐसा जिक्र आएगा ही आएगा कि उसकी टांग खिसाई हुई, उसके साथ लोगों ने गलत किया, किसी ने ऐसा ऐसा, जैसे अभी मोदी साहब ने स्टेटमेंट दिया ना, ऐसा स्टेटमेंट देने के बाद उसकी सक्सेस स्टार्ट हुई है। कोई लोग दिल पे ले लेते हैं, मेरे को ऐसा कैसे कह के लोग जाते हैं, लेकिन ये पाकिस्तानी इनको एक ही चीज है कि यही स्टेटमेंट, ये बुरा स्टेटमेंट है और उसको बुरा बना और आवाम को दिखाओ भाई कि मोदी साहब ने ये कहा, मोदी साहब ने ये कहा। ठीक है, तो
आप ही के ही मीडिया वाले बोलते थे ना, इसीलिए तो मोदी साहब ने बोला ये जो डॉक्टर साहब अब भौंक रही थी ना इसमें, उसी ने ही बोला था एक वीडियो में, वो मैंने खुद ने सुना था कि हमने चूड़िया नहीं, हमने चूड़िया नहीं पहनी, ये उन्हीं का ही वर्ड्स है। ठीक है, तो आपने नहीं पहनी है तो पहना देंगे भाई। ठीक है, अब हमारे गुजराती में कई सारी स्टूडियो के रिलेटेड मूवी बनी है, कई सारी है, सुडी तेरे नाम की, हिंदी बोल रहा हूँ बट ये गुजराती में है, सुडलो पेरो तारा नाम नो, लो लो ये 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 यही मूवी है गुजराती, उसका हिंदी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, सुडी पेनी तेरे नाम की। ठीक है, ये हमारे सनातन धर्म में उसका बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्व है सुडी का। ठीक है, आपको भी पहना देंगे, क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, और वहां वैसे भी आप लोगों को तो आदत है ना, एक बीवी आई कुछ साल तक रही फिर तलाक तलाक बोल दिया, पाकिस्तानियों, मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ निकल चुका है ट्रिपल तलाक, खुश है महिला यहाँ की, भारत की मुस्लिम महिला, इसीलिए तो मोदी साहब को वोट दे रही, वो खुश है क्योंकि देखो यहाँ के जो मुस्लिम थे ना उसका भी ब्रेन वॉश आप लोगों ने किया, आपका क्या नाम मुशरफ, मुशरफ साहब थे ना एक वहां पे बड़ा प्लान, वो भारत विजिट पे आए थे और एक मुस्लिम ने जो उसने धोया है, वो वीडियो भी यूट्यूब में है, जाके जरूर देख लीजिएगा कि आपका प्रधानमंत्री ऐसे बैठ के बैठा ऐसे करके नहीं देख पा रहा था। ठीक है, उन्होंने बहुत लताड़ा था। वीडियो यहाँ पे समाप्त करते दोस्तों, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ, टिल देन जय हिंद जय भारत।